नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि क्या लाडली बहना योजना बंद होगी या फिर कंटिन्यू रहेगी या फिर चालू रहेगी, तो इसी विषय पर दोस्तों आज बात करेंगे कि लाडली बहना योजना का जो अभी बहुत सारी खबरें दोस्तों आपने देखी होगी और सामने निकल कर आ रही है। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण, ठीक है, यहाँ से एक कलेक्टर जो वहाँ के सागर के जो कलेक्टर हैं, आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा देखते हो कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ परित्याग करने के संबंध में, ठीक है, आप नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आदेश में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है विषय अंतर्गत लेख है कि महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण 2 में यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका या फिर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य के द्वारा लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थी उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें, अन्यथा शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं इस वहाँ के कलेक्टर के द्वारा कि अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका हो या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर स्व सहायता समूह के अध्यक्ष या फिर सचिव वगैरह हो या फिर उनके जो कार्यकर्ता, अगर उन्होंने अगर उस लाडली बहना के जो शर्तें निकली थी या फिर जो नियम निकले थे या फिर जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इसमें कुछ निर्धारित शर्तें थी, अगर उसके अंतर्गत अगर उनको लाभ लेने का अगर नहीं था या फिर उनको अगर साफ मना था तो वो उन्होंने अगर लाभ लिया है तो उनको लाभ परित्याग करने के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आप लाभ परित्याग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी महिला है जिसको लाभ लेना अगर नहीं चाह रहे थे, अगर वो उसमें पात्रता नहीं थी, वो लाभ परित्याग कभी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। 15 दिन के अंदर में उनको लाभ परित्याग करने का दोस्तों आदेश दिया गया है, ठीक है। करेंगे सबसे मेन बात दोस्तों ये है कि लाडली बहना समेत कई योजनाएं बंद करने पर विचार किया गया है, ठीक है। मतलब कि क्या लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी या फिर चालू रहेगी या फिर क्या अगले महीने 1500 रुपये आएंगे दोस्तों, इस विषय में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अब खबर आई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही लाडली बहना योजना को बंपर जीत का आधार बताते हुए नहीं थक रहे हो, लेकिन नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिया है कि इस समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होगी। मतलब बंद नहीं करा गया है, यहाँ पर सिर्फ विचार विमर्श दोस्तों किया गया है, ठीक है। समीक्षा होगी मतलब कि आपका यहाँ पर एक विचार विमर्श किया गया है कि क्या इस योजना को कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सरकार का खजाना खाली है, ठीक है। आप समझ सकते हैं सरकार का जो खजाना है वो खाली है कहीं ना कहीं, इसलिए ये वाला कदम उठाया गया है। इसकी समीक्षा की जा रही है क्या बंद कर दें, क्या विचार करें या फिर इसको कंटिन्यू किया जाए। लाडली बहना योजना अगर बंद होती है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों को लाडली बहना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट इलेक्शन में रहा है दोस्तों, आप सभी को पता ही है। क्योंकि इस योजना शिवराज सिंह ने जमकर प्रचार किया है और ये योजना पूरे देश में चर्चित है, वे तो प्रदेश में भाजपा की जीत का आधार ही ये योजना बता रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो ये कह रहे हैं लाडली बहना की वजह से ही दोस्तों यहाँ पर आपका चुनाव जीता है, मतलब लाडली बहना वजह की दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा चुनाव में है इसका इलेक्शन रहा। मतलब कि जोरों शोरों से यहाँ पर प्रचार उन्होंने किया शिवराज सिंह चौहान ने, और उसके बाद में उनका जीत का जो आधार है दोस्तों वो लाडली बहना को ही बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अभी इस योजना में प्रदेश की 1.32 करोड़ बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि शुरुआत में 1000 रुपये राशि हुई थी। इस योजना में भाजपा का माहौल बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप सबको पता ही दोस्तों कि लाडली बहना कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। इसके बंद होने से महिलाएं सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकती है, वैसे तो करी ना आप दोस्तों वीडियो देखे रहे कि दोस्तों महिला अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर नहीं बना दोबारा से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो आपके सामने आ रही है, कैसे कैसे खबरें आ रही है। अधिकारियों ने कहा है कि वे महंगाई कम करने के लिए कोई योजना बनाए, संभवतः सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर रही है। मतलब तो बहुत अच्छी बात यह है कि अगर इसको बंद करते हैं तो यहाँ पर आपका दोस्तों पेट्रोल और डीजल पर दोस्तों यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को लाडली बहना बहुत सारे लाडली बहना को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे इसके खिलाफ भी है, तो दोस्तों सबके अपने अपनी सोच विचार है। और तो इसको अगर बंद भी करती है तो यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल और डीजल के जो दाम है जो कीमत है दोस्तों वो कम करने पर विचार सरकार नहीं कर रही, नई वाली सरकार जो इस पर विचार कर रही है। तो ऐसा होता है तो तमाम चीज़ें के दाम भी कम हो जाएंगे और महंगाई पर लगाम लगेगी सरकार के लिए कदम। सभी सार्वजनिक अगर सारी चीज़ों में अगर इसमें लगाया जाए, अगर लाडली बहना बंद भी अगर करती है सरकार तो दूसरी चीज़ों पे जो महंगाई है दोस्तों पेट्रोल हो गया आपका, तेल हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें महंगाई कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। जितना पैसा वहाँ खर्च हो रहा है उससे कम पैसे में आपको यहाँ पर सामान मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको ये फ़ायदा रहेगा। ये महंगाई का असर महिलाओं के साथ पूरे परिवार पर पड़ता है, ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों। बताते हैं कि नए मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित कर प्रदेश की वित्तीय स्थिति की भी जानकारी देंगे और लाडली समेत
तमाम योजनाएं बंद करने के लिए सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब पूरी तरह से भी बंद नहीं कही गई है, बंद करने की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करेंगे वो। भाजपा इसका प्रचार प्रचार ऐसे करेगी जिससे लोगों को गले में योजनाएं बंद करने का कारण उतर जाए। मतलब कि अगर बंद भी करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपके सामने लाकर रख देंगे जो कि अगर लाडली बहना बंद भी हो जाएगी तो कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको ऐसा लगेगा नहीं कि लाडली बहना बंद हो गई, क्योंकि उसकी जगह दूसरा कुछ दूसरी ऐसी योजना या फिर दूसरी ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जाएगी जिसको लगेगा हाँ लाडली बहना बंद हुई तो क्या होगा, कम से कम ये चीज़ें हमको मिल रही है, तो ऐसा सभी लोगों के मन में आएगा। यही सोच यहाँ पर सरकार की भी रहेगी। मैं तो भाजपा सरकार इसका प्रचार प्रसार तो कर ही रही है जिससे लोगों के गले में योजनाएं बंद करने का कारण उतर जाएगा। यादव ने कहा है कि वे जल्द ही सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि योजनाएं चलने योग्य है या फिर नहीं। उनके इस कथन से साफ है कि लाडली बहना समेत तमाम योजनाएं बंद कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर बंद करते हैं तो क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे दोस्तों, तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर एक हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ भी कह नहीं सकते। एक वीडियो भी आपने सामने देखा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना दोस्तों यहाँ पर निरंतर चलती रहेगी दोस्तों, ये सब भी उन्होंने एक वीडियो में कहा है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे भी आपकी खबर अगर आपके आधी है लाडली बहना योजना क्या बंद हो ही जाएगी वास्तव में, तो इसमें दोस्तों क्या बंद हो जाएगी या फिर नहीं होगी दोस्तों, तो इस बारे में आगे जब भी इसकी नेक्स्ट खबर आएगी तो मैं आपको इस खबर के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।